हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ 50 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर CIL MT एंड अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो कंप्यूटर बेस्ड CVT में आएंगे या तो इंटरव्यू में आएंगे। और ये 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृपया देखें इनको कि कैसे हैं क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। अर्थ एंड न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, न्यूट्रल जो होता है एक रिटर्न पाथ होता है फॉर इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, और अर्थिंग होता है प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमंस। ओके, मान लो कि ये एक बोर्ड है, ठीक है, 3 पिन का बोर्ड है, एक फेज वाला होता है, एक अर्थ वाला होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो फेज वाला को क्या कहते हैं? लाइव पार्ट। ओके, और अर्थ क्या होता है? रिटर्न पाथ होता है। तो इससे इससे रिटर्न होता है, यहाँ से करंट फेज आई और इसके द्वारा रिटर्न होगी। और एक जो होता है न्यूट्रल, वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ओके, अर्थ क्या करता है? अर्थ इज सपोर्टेड फॉर न्यूट्रल। इफ न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट द मशीन वी आर यूजिंग वी विल गेट द फुल फेज वी विल गेट अ शॉक शॉक। ओके, न्यूट्रल होना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो हो गया, इसमें आप समझ गए कि अर्थ और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है। तो आपको मेन चीज जानना है, न्यूट्रल जो है एक रिटर्न करंट पाथ होता है, और अर्थ होता है सपोर्टिंग फॉर न्यूट्रल, अर्थ होता है ह्यूमंस प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आपको ये जानना था कि डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। ओके, अर्थ इज अ रिटर्न करंट पाथ फॉर इक्विपमेंट एंड अर्थिंग इज अ प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? यूज फॉर द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए, जैसे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक यूज होता है, कैपेसिटर का दो पैरेलल प्लेट होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ रहता है। ओके, ये पैरेलल प्लेट है, नॉट कैथोड, इसके बीच में डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और जब चार्ज करते हैं तो प्लस 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 माइनस 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 एक साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो प्लस और तो यहाँ डायलैक्ट्रिक का काम है कि चार्ज को इकट्ठा करना, ठीक है। तो डायलैक्ट्रिक आर यूज फॉर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर यूज टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इंसुलेटर क्या करता है? ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ब्लॉक करता है इंसुलेटर, एक क्या होता है, ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑल 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 डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। ओके, ऑल डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, बट ऑल इंसुलेटर आर इन डाइलेक्ट्रिक बिकॉज दे कांट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इंसुलेटर जो होता है ओके, बट ऑल इंसुलेटर आरेंट डाइलेक्ट्रिक बिकॉज दे कांट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज अनलाइक डाइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर नहीं करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन पाते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आर फॉलोइंग। ओके, तो लार्ज KVA रेटिंग आर रिक्वायर्ड। आप
पावर फैक्टर का फॉर्मूला जानते हो, पावर फैक्टर बराबर किलोवाट बटा केवीए। जब ये लो होगा तो केवीए हाई होगा, इतना समझ गए। जब ये पावर फैक्टर लो होगा तो केवीए हाई होगा, पावर फैक्टर लो होगा केवीए ज़्यादा चाहिए हमको, केवीए ज़्यादा देने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, यही होगा कि लो पावर फैक्टर के लिए केवीए ज़्यादा इक्विपमेंट यूज होगा, ग्रेटर कंडक्टर साइज होगा, लार्ज कॉपर लॉसेज होगा। ओके, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो इसके डिसएडवांटेज होता है लो पावर फैक्टर के लिए। तो लो पावर फैक्टर को हाई पावर फैक्टर में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टर कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, व्हाई इज अर्थ पिन लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट। अर्थ पिन जो होता है लॉन्गेस्ट होता है और थिकेस्ट होता है। मोर द थिकेस्ट ऑफ द वायर एंड कंडक्टर, लेस इज द रेसिस्टेंस। ओके, जब थिकेस्ट होता है वायर और कंडक्टर तो लेस होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, ये थिक अर्थ पिन प्रोवाइड अ लेस रेसिस्टेंस पार्ट फॉर द करेंट टू बी ग्राउंडेड, दिस इज फॉर सेफ्टी, सो डैट द लीकेज करेंट इफ एनी विल टेक द लेस रेसिस्टेंस पार्ट फ्रॉम अर्थ पिन टू ग्राउंड। ओके, रदर देन पर्सन ऑपरेटिंग एन अप्लायंसेस। समझ गए, थिकेस्ट होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो रिटर्न पाथ बनेगी और ह्यूमन सेफ्टी के लिए सही होता है, इसीलिए उसको मोर थिक वायर कंडक्टर बनाते हैं ग्राउंड पाथ के लिए। ओके, अब आते हैं, व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस इज अ हीट लॉस कॉज बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्मेचर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है आर्मेचर का। ओके, इंक्रीज कर रहा है किसी इंस्टेंट पॉइंट में सेचुरेट होने के लिए, फिर वो उसी लूप को फॉलो करेगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस इज द हीट लॉस कॉज बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्मेचर। व्हेन द आर्मेचर कोर इज इन मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऑफ द कोर टेंड टू द लाइन अप विद द मैग्नेटिक फील्ड। When the armature core is rotating, the magnetic field keep changing direction. The continuous movement of the magnetic particle as they try to align themselves with the magnetic field produce molecular friction. This is termed produce heat. The heat is transmitted to the armature winding, and this heat cause armature resistance increase. ओके, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, हीट लॉस होता है, कॉज किसके कारण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्मेचर के कारण होता है। जब आर्मेचर कोर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक पार्टिकल ऑफ द कोर टेंड्स टू लाइन अप एंड द मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो जब आर्मेचर कोर इज रोटेटिंग करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कीप चेंजिंग, जब आर्मेचर कोर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली कीप चेंजिंग डायरेक्शन, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल एज दे ट्रैवलिंग देमसेल्फ विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन। ओके, दिस टर्न प्रोड्यूस हीट, जिसके कारण यह कंटिन्यूस फ्रिक्शन होता है और जिसके कारण एक हीट जनरेट होता है, हीट होता है, दिस इज हीट इज ट्रांसमिटेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग एंड दिस हॉट कॉज आर्मेचर रेजिस्टेंस टू बी इंक्रीज। ओके, इससे यह होता है, टू कंपनसेट फॉर हिस्टेरेसिस लॉसेस हीट ट्रीटेड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन आर का यूज जो होता है, टू कंपनसेट फॉर हिस्टेरेसिस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम हीट ट्रीटेड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन यूज करते हैं। विच इज द मोटर यूज फॉर फैन, फैन के लिए कौन सा मोटर यूज होता है। ओके, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है।
फैन के लिए, ओके। उसके बाद व्हाई डू वी यूज स्टार्टर फॉर अ डीसी मोटर, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। लार्ज डीसी मोटर विथ फील्ड वाइंडिंग इंस्टेंट और परमानेंट मैग्नेट हैव अ वेरी हैवी लोड व्हेन स्टार्टिंग, ओके। जब लार्ज डीसी मोटर के साथ कोई फील्ड वाइंडिंग परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी हैवी लोड व्हेन स्टार्टिंग होता है टू प्रिवेंट फ्यूज ब्लोइंग सीरीज ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस आर सिक्वेंसली स्विच सीरीज विद द मोटर as the motor pick up speed. A back EMF in the opposition to the applied voltage limit the maximum current, okay. When the motor reaches its running speed, the starter is out of circuit, okay. तो इस कारण से क्या करते हैं, prevent बचाने के लिए fuse को blowing के लिए series small resistance frequently use करते हैं. एक back EMF is opposition to applied voltage limit the maximum current. When the motor reaches the running speed, the starter is out of circuit. Okay. उसके बाद है, what is form factor? Form factor क्या होता है? The form factor of a alternating current waveform signal is the ratio of RMS value to the average. RMS but average. ठीक है? ये होता है फॉर्म फैक्टर, मैथमेटिकल मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ऑल पॉइंट ऑफ वेवफॉर्म. ठीक है, समझ गए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, अब क्या होता है, आरएमएस बटा एवरेज. उसके बाद है व्हिच व्हिच इज मोर डेंजरस शॉक डी टू एसी और डीसी. मोर डेंजरस कौन होता है एसी और डीसी में, शॉक डी टू डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी. डीसी सबसे खतरनाक होता है, ओके, क्योंकि साइन वेव में क्या होता है, मैक्सिमम और जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम फिर जीरो, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वो जीरो हो जाता है, उसके कारण शॉक से आप बच सकते हो. लेकिन डीसी के वेवफॉर्म क्या होता है, एक डायरेक्ट कंटिन्यूस करंट आता है, कंटिन्यूस आपको झटका लगेगा और आपको पूरा शरीर में डिस्चार्ज कर देगा और आप डेड हो जाओगे, इतना डेंजरस होता है डीसी. ठीक है, उसके बाद होता है व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, वॉल्यूम कंट्रोल, फैन स्पीड कंट्रोल और लाइट डिमर. समझ गए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ यूज होता है, वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए और लाइट डिमर के लिए यूज किया जाता है. What is slip? Slip क्या होता है? The difference between synchronous speed and actual speed of the rotor is known as slip. NS minus NR is equal to S, मतलब slip. उसके बाद है, What is the purpose of compensating winding? Compensating winding का use, purpose क्या होता है? Compensating winding use करने के लिए. The function of compensating winding is to neutralize the cross magnetic effect of the armature winding. The function of compensating winding is to neutralize the cross magnetic effect of the armature winding. In the absence of compensating winding, the flux will be suddenly shifting backward and forward with the every charge in load. Okay. Compensating winding क्या करता है? न्यूट्रलाइज्ड करता है क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग और इन द एब्सेंस ऑफ द कंपेंसेटिंग वाइंडिंग द फ्लक्स विल बी सडनली शिफ्टेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद एवरी चेंज इन लोड. ओके, इसीलिए हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं क्रॉस वाइंडिंग क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट को. व्हाट इज कोगिंग एंड क्राउलिंग. कोगिंग एंड क्रॉलिंग क्या होता है? कोगिंग होता है रोटर ऑफ स्क्वायरल केज मोटर समटाइम्स रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल. रोटर जो होता है ना स्क्वायरल केज मोटर का, रिफ्यूज कर देता है स्टार्ट करने के लिए. ओके, पर्टिकुलरली जब वोल्टेज लो होता है, जब वोल्टेज लो होता है तो रिफ्यूज करता है स्टार्ट होने के लिए.
So this happens when the number of starter teeth is equal to the number of rotor teeth. ठीक है, starter का teeth और rotor का teeth. Rotor teeth क्या होता है, equal होता है due to the magnetic locking. Magnetic locking को ही cogging कहते हैं. Magnetic locking NR NS rotor teeth जो होता है वो इक्वल हो जाता है स्टार्टर टीथ के. तो ये किसके कारण होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग को होता है. मैग्नेटिक लॉकिंग को ही कोगिंग कहते हैं. लॉकिंग को ही कोगिंग कहते हैं. लॉकिंग को कोगिंग बोलते हैं बिटवीन द स्टार्टर एंड रोटर टीथ. ओके, अब क्रॉलिंग जानते हैं क्रॉलिंग क्या होता है. इंडक्शन मोटर स्पेशली द स्क्विरल केज मोटर समटाइम एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रन एस्टेब्ली एट स्पीड एट लो as 1/7 of the their synchronous speed ns. This phenomenon is called crawling as the induction motor. Induction motor jo kya hota hai in especially spiral cage induction motor ke liye exhibit a tendency to run stably at a speed at low as 1/7 of the theek hai ns upon 7 is speed pe hota hai. This phenomenon is called crawling of the induction motor. Kabhi kabhi tendency hota hai 1/7 of their synchronous speed pe ये रोटेट करता है, इसको हम क्रॉलिंग बोलते हैं. ठीक है, अब है डमी कॉइल किसे कहते हैं. ओके, दीज आर यूज विद वेव वाइंडिंग. डमी कॉइल जो होता है ये यूज किया जाता है वेव वाइंडिंग. आर रिसोर्टेड टू व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाइंडिंग आर नॉट मीट द स्टैंडर्ड आर्मेचर पंचिंग. दे आर सिंपली टू प्रोवाइड अ मैकेनिकल बैलेंस for the armature because an armature winding some slot without winding we would be the out of magnetic balance. ठीक है, तो यूज करते हैं वे वाइंडिंग के साथ जो रिस्टोर करता है जब रिक्वायरमेंट ऑफ द वाइंडिंग आर नॉट मीट द स्टैंडर्ड आर्मेचर वाइंडिंग. रिक्वायरमेंट ऑफ वाइंडिंग नॉट मीट विद द स्टैंडर्ड आर्मेचर वाइंडिंग दे आर सिंपली टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक बैलेंस फॉर द आर्मेचर because an armature having some slot without winding could be out of balance. Okay, what are CT and PT? CT means current transformer, PT means potential transformer. Okay, it is a step up transformer which step down the current to a non ratio. Okay, current transformer, it is a step up transformer which step down the current to a non ratio. The primary of this transformer consists of one or more turns of thick wire connected in series with the line. Okay, the secondary consists of a large number of turns of fine wire and provide for the measuring instrument and relay a current which is a constant fraction of current in the line. Okay, it is a step up transformer which step down the current to a non ratio. करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप डाउन करता है करंट टू अ नॉन रेशियो पे. ओके, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज टू अ नॉन रेशियो. पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप डाउन करता है वोल्टेज टू अ नॉन रेशियो. और सिटी में भी स्टेप डाउन करता है. ठीक है, ये याद रखना, स्टेप डाउन करता है करंट टू नॉन रेशियो. पोटेंशियल स्टेप डाउन करता है वोल्टेज टू नॉन रेशियो. ओके, लार्ज द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फाइन वायर्स कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन. ओके, द सेकेंडरी वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ फ्यू टर्न्स एंड प्रोवाइड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिले अ वोल्टेज व्हिच इज अ नॉन फ्रैक्शन ऑफ द लाइन. Cross the line, the secondary winding consists of few turns. Secondary winding
consist of a few turns and provide for measuring instrument and relay as a voltage which function of the line. यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर इज डिफाइंड एज द मोटर विच मे बी ऑपरेटेड आइदर और ऑन अ डायरेक्ट और ऑन अ सिंगल फेज सप्लाई एसी सप्लाई एप्रोक्सीमेटली सेम द स्पीड एंड आउटपुट. यूनिवर्सल मोटर होता है define as the motor which may be operated either direct or single phase AC supply approximately the same speed and output. यूनिवर्सल मोटर को डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटेड कर सकते हैं इनको डायरेक्ट और सिंगल फेज एसी सप्लाई से अप्रोक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउटपुट. ओके, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इस पे समझ गए ना? उससे मोटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई कर सकते हैं, इस पे डायरेक्ट कर सकते हैं या जिस सिंगल सप्लाई कर सकते हैं सेम स्पीड आउटपुट से. वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? इट इज द चेंज इन द वोल्टेज व्हेन द लोड इज रिड्यूस. अगर लोड को रिड्यूस करते हैं तो वोल्टेज चेंज होता है फ्रॉम रेटेड टू जीरो एक्सप्रेस एज परसेंटेज. वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये रेटेड वोल्टेज टू जीरो, रेटेड वोल्टेज टू जीरो रिड्यूस होता है. व्हाट आर इंटरपोल्स यूज फॉर? इंटरपोल कहाँ यूज होता है? एज द प्रायोरिटी ऑफ इंटरपोल इज द सेम एज द डेट ऑफ द मेन पोल. इंटरपोल कहाँ यूज होता है? प्रायोरिटी जो होता है ना इंटरपोल का इज द सेम एज डेट ऑफ द मेन पोल एड ऑफ द इंड्यूज एंड ईएमएफ ऑफ द कॉइल. इंटरपोल कहाँ यूज करते हैं? पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल जो होता है सेम होता है डेट ऑफ द मेन पोल हेड से. दे इंड्यूज करता है एन ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूज करता है ईएमएफ इन द कॉइल. ओके, अंडर कम्यूटेशन में जो हेल्प करता है सेवरल रिवर्सल ऑफ करेंट. अनदर फंक्शन इज टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर. और क्या करता है इंटरपोल? न्यूट्रलाइज करता है क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है. उसके बाद अब डीसी मोटर बात है. प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, तो डीसी मोटर इनको क्या करते हैं? ऑलरेडी वीडियो बन गया है 22 मिनट का, ठीक है, तो हम लोग करते हैं इनको पार्ट टू के लिए रखते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट टू में ये वीडियो बनाते हैं, ये फर्स्ट पार्ट के लिए रख देते हैं. ओके गाइस, गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी वीडियो किसी सब्जेक्ट पर हो तो आप मुझे बोलें, मैं उन वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है. ओके बाय.